परंतु कई बार ये होता है कि हमारी ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं कि जिनको जोतराम जी महाराज भी माफ करते करते थक जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी कहीं भी गलती नहीं करता, फिर भी उसके बावजूद भी उसका कार्य नहीं बन पाता। बहुत सारी चीजें, हर व्यक्ति का अलग अलग भाग्य होता है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है। उसी के अनुसार देवता भी कार्य करते हैं, उसी के अनुसार इंसान को भी कार्य करना चाहिए अपनी सोच समझ को बुलंद करके। बाबा का ऐसा ही सेवक जिसने जोतराम जी महाराज की तन मन से सेवा की और उसको पता नहीं है कि कहां मेरी गलती रह गई जिससे मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। उस व्यक्ति के मन की भावना मैं इस भजन के माध्यम से रखना चाहूंगा। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, एक बार मन से जयकारा लगाओ। बोलिए श्री जोतराम जी महाराज की जय हो, बोलो जीतपुरा धाम की जय हो। ओ बाबा तेरी गलती क्यों कर काटूं, ओ मन देव मनाना आया ना। और तू तो सबके दुख का साथी, दुख मने सुनाना आया ना। प्रेम से कह दीजिए जय बाबा की, सभी सेवक बोल दो जय बाबा की। बोले जोतराम जी महाराज की जय। दिल से जयकारा लगाओ भक्तों। ऐसे ऐसे हम यहाँ किसी सभा में नहीं बैठे, हम तो बाबा के भजन में बैठे। इतनी ही अहमियत आपकी है, इतनी ही अहमियत यहाँ गाने वाले की, और इतनी ही अहमियत उस भगत की है जो उस चेयर के ऊपर बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा है। सबकी यहाँ बराबर अहमियत है। हम जितना भी भावना के साथ बाबा का भजन करेंगे वो हमारे को ही लगना है। मैं भावना से नहीं गाऊंगा तो जोतराम जी का आशीर्वाद, देव का आशीर्वाद मुझ पर नहीं हो सकता। आप भावना के साथ यदि बाबा का भजन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी बाबा की कृपा नहीं होगी। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जो भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रेम से बोलो जय बाबा की, सभी बोलो जी जय बाबा की, बोलो जोतराम जी महाराज की। तेरी गलती देखे क्यों कर काटू, आए मन देव मनाना आया ना। आप इस बड़ी सभा के अंदर कुछ लोग तो ऐसे जरूर बैठे होंगे जिनके मन की बात मैं कह रहा हूं। यदि आपके मन की भी बात है तो मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा साथ देना, बाबा आपके मन की बात सुनेगा। तेरी गलती क्यों कर काटूं, तेरी गलती क्यों कर काटूं, देव मनाना आया ना। तेरी गलती क्यों कर काटूं, देव मनाना आया ना। बाबा तू तो सबके दुख का साथी, तू तो सबके दुख का साथी, दुख मने सुना आया ना। तेरी गलती क्यों कर काटूं, तेरा गुण गान
दुखिया दर पे आवे, बता किस किस का तू ध्यान करे, ध्यान करे दे विपदा जाती, ध्यान करे दे विपदा जाती, मन ध्यान लगाना संसार में लोगों दूसरे का दुख कभी किसी को दुख नहीं लगा। आदमी को केवल अपना दुख दुख लगता है कि हाँ मुझे दुख है, दूसरे आदमी के लागे बोला बीत में आपने लागे तो है भगतो। जब दूसरे आदमी के दुख की तरफ देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुखी भी होगा, लेकिन अपने दुख में चाहे छोटा सा दुख हो जी काल हो जाएगा आदमी का दुखी हो जाएगा। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों साथ मिला ना जो तेरी सेवा कर पाता, घर को बेटा साथ मिला ना जो तेरी सेवा कर पाता, गुर मांगण की मन आदत ना थी जो इस जोड़ी स्थिति आती है, कभी भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए तो मन में विचारों का एक तूफान सा उठता है, और जब आदमी के मन में विचार उथल पुथल मचा देते हैं तब आदमी तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। अपने बाबा से भी ये कहता है, बिगड़ गई है
मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी, मेरे अंदर कोई खोट होगा, नहीं तो आपके अंदर तो कोई कमी नहीं मेरे बाबा। आप तो देव है, देवता है, जिसको केवल देना देना आता है, जिसको लेना नहीं आता। मेरे देव, मैं इंसान हूँ, मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई गलती मैंने जरूर की है। तीसरी कली में क्या बताया, दिल में रहने आ रहा, दिल में रहने आया की लिए खड़ार दीवापती, वो लिए खड़ार दीवापती। बाबा मैंने दिन रात तेरे नाम की जोत जगाई, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, लेकिन ये हृदय जगाना नहीं आया। पता नहीं कहाँ कमी रही। लिए खड़ा रहा नहीं। और सत्यवान भगत मेरी अर्थी